अबू धाबी में होने वाले मैच में बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। बैंगलोर की टीम नई जर्सी में खेल रही है, ये जर्सी कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। बैंगलोर की टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज के एस भरत और श्रीलंका के खिलाड़ी हसरंगा डेब्यू कर रहे हैं। वहीं केकेआर की टीम की तरफ से ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को मौका दिया गया है। और इस बीच मैच से पहले केकेआर के कप्तान ऑयन मॉर्गन ने विराट कोहली को चेतावनी दी है। सवाल यह है कि क्या विराट के पास उनकी इस वार्निंग का कोई जवाब है? विराट को मॉर्गन की चेतावनी। We need to just look at it in one way. We control absolutely everything from here on in. There's no looking behind, looking ahead. अब बाजी पलटेगी केकेआर। It makes us a very dangerous side with nothing to lose. We need to go out there and try and find and chase results. कोलकाता के कप्तान की वार्निंग को हल्के में लेने की भूल विराट कोहली नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोलकाता किसी भी टीम का खेल बिगाड़ सकती है। पॉइंट्स टेबल में कोलकाता फिलहाल 4 अंक के साथ 7वें नंबर पर है, वहीं बेंगलोर की टीम 10 अंक के साथ तीसरे पायदान पर काबिज है। लीग के दूसरे फेज में कोई भी टीम उलटफेर का शिकार हो सकती है और कोलकाता को ये अच्छे से मालूम है। We need to just look at it in one way. We control absolutely everything from here on in. It makes us a very dangerous side with nothing to lose. बेंगलोर और कोलकाता के बीच अब तक कांटे की टक्कर हुई है। दोनों टीमें कुल 27 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से कोलकाता ने 14 मैच अपने नाम किए हैं, वहीं बेंगलोर के खाते में 13 जीत हैं। दोनों टीम्स के बीच अबू धाबी में अगला मुकाबला होना है। इस मैदान पर पिछले साल हुए मुकाबले में बेंगलोर ने 8 विकेट से बाजी मारी थी। वहीं इस सीजन के पहले हाफ में हुए मुकाबले में भी बेंगलोर ने कोलकाता को हराया था। पहले हाफ में भले ही बेंगलोर ज्यादा दमदार नजर आई हो, लेकिन अब कोलकाता भी पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।